हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा मसूद। आज हम देखेंगे कि हम पेयरिंग को कैसे इस्तेमाल करके स्मार्टली वर्क करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम उन चीज़ों को देखेंगे, उन चैप्टर्स को देखेंगे जिनकी वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है। पेयरिंग स्कीम रिलीज़ हो गई थी, आज हम 2023 की पेयरिंग स्कीम देखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर फिजिक्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, और हम साथ ये भी देखेंगे कि हम किस किस चैप्टर को तैयार करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास जो फिजिक्स का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है जी, 85, और जो टोटल पेपर होता है वो होता है 123 मार्क्स का, ठीक है। टोटल नंबर फिजिक्स पेपर के कितने होते हैं, 85। 123 मार्क्स कैसे बनते हैं वो भी आपको बताता हूँ। हमारे पास 17 नंबर के शॉर्ट्स होते हैं, सॉरी MCQs होते हैं, ठीक है। 17 मार्क्स के क्या होते हैं, MCQs, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं हमने, 22 होते कितने हैं, 33 शॉर्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 22। 17 MCQs हैं और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 70। तो इधर मैं मार्क्स लगा देता हूँ, 17 MCQs करने हैं और 17 ही अटैम्प्ट करने हैं, नो चॉइस। इधर चॉइस है तो इधर हमारे पास अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 66 और 44, यानी कि हमें इधर 66 मार्क्स में से 44 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है, यानी कि इसमें 10 आपके पास जो MCQs हैं, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपके पास किस में आ जाते हैं, चॉइस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो होते हैं जी 5 लॉन्ग क्वेश्चन, कितने, 5 लॉन्ग क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारे पास 8 नंबर का, 5 होते हैं, करने 3 हैं, होते कितने हैं जी 5 और करने कितने हैं जी 3, 5 होंगे करेंगे 3। तो मार्क्स देख लेते हैं इधर, 5 के मार्क्स कितने बनेंगे, 8 से आप मल्टीप्लाई करें 5 को तो कितना आ जाएगा 40, और अटैम्प्ट कितने हैं, करने कितने हैं हमने 3, तो 3 × 8 कितना आ जाएगा 24। आप 17, 24 और 44 इन सबको ऐड करें, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 85, ठीक है। और 17, 66 और 40 को ऐड करें, तो जब आप 40 को 6 इसमें ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, 106 में आप 17 ऐड करें तो आ जाएगा 123, यानी कि टोटल 123 मार्क्स का पेपर है लेने, उसमें से हमने 85 है, बट इधर चॉइस नहीं है, इधर चॉइस है और इधर चॉइस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पेयरिंग स्कीम आई है कौन से साल की, 2023 पेयरिंग स्कीम फॉर फिजिक्स क्लास 11, ठीक है। तो अब हम जरा इस पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम इसमें वेटेज भी निकाल लें इजीली और कर भी लें। पेयरिंग स्कीम याद रखो बच्चों, आपको एंड में जो पेयरिंग स्कीम का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है उसके अंदर ये लिखा होता है कि ये 90% तक होगी सही, 90-80, इसका 100% मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली पेपर ऐसा होगा, ऑल दो 80-90% बोर्ड्स इसके मुताबिक ही पेपर बनाते हैं, अरेंज करते हैं, पेपर पैटर्न यही होता है, ठीक है। तो अब ज़रा हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी पेयरिंग स्कीम है और हमने कैसे स्मार्टली वर्क करके अच्छे नंबर हासिल करने हैं, ठीक है। तो इधर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है जी 1, क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपके पास 17 MCQs, ठीक है। और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपके पास ये चैप्टर 1 से लेके 11 चैप्टर तक, 1 से लेके 11 चैप्टर तक हर किसी से कितने MCQs आएंगे, 1 फ्रॉम ईच, कितने MCQs हो गए, 1 से लेके कितने हो गए 11, आने कितने हैं 17, तो बाकी के 6 MCQs कहाँ से आएंगे भाई, 6 MCQs आएंगे फर्दर इन्हीं चैप्टर से, और वो चैप्टर कौन से हैं, वो चैप्टर 1 है, 2, 3, 5, 8 और 11, मीन्स कि क्या बना, 6 इधर से आएंगे, मतलब कि बाकी जो चैप्टर बच गए उनमें से एक एक आएगा और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11, ये कितने चैप्टर बनते हैं, 6, इन 6 चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे,
तो 6 × 2 = 12 हो गया, बाकी कितने बचे आपके पास पीछे 5, तो बाकी के जो 5 चैप्टर उन सब में से आएगा एक एक, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं इधर नीचे तो इधर कौन सा चैप्टर बचता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इनसे कितने कितने आएंगे एक एक, तो 5 × 2 तो 12 और ये 5, तो टोटल MCQs कितने हो गए 17, तो इस तरह आपके पास 17 MCQs टोटल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि MCQs के लिहाज से ये चैप्टर्स के MCQs करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो दो MCQs आने के चांसेस होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जी, हमारे पास यहाँ पर होते हैं 3 क्वेश्चंस, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इनमें चैप्टर्स की डिवीजन देख लेते हैं। चैप्टर की डिवीजन कुछ यूँ है कि ये आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये आपके पास होंगे जी चैप्टर्स। इधर इधर आ जाएगा चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8, कौन कौन से रह गए 9, 10, 11। ठीक है, अब इसके मार्क्स देख लेते हैं। इधर टोटल इसमें से होंगे आपके पास 12, कितने होंगे जी 12, करने कितने हैं जी 8, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, करने कितने हैं 8। क्वेश्चन नंबर 3 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, करने कितने हैं 8। क्वेश्चन नंबर 4 टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 9, करने कितने हैं 6 होंगे, 9 और करने कितने हैं आपने 6। ठीक है, अब इसकी डिवीजन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से होंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से होगा और 3 इधर से होंगे। आप इन्हें काउंट कर लें, 4 × 7, 7 × 4, 11 और ये एक कितना हो गया टोटल 12। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। अच्छा अब इधर आ जाए, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सब में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे जी 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 से होंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 से 3 और इससे 4, तो इन्हें आप प्लस कर लें तो ये आपके पास हो जाते हैं 9। ठीक है, अब नई चीज़ जो आपके पास है वो ये है कि 40% to 50% शॉर्ट्स आर फ्रॉम एक्सरसाइज और जो रिमेनिंग है फ्रॉम चैप्टर थ्योरी। ठीक है, जो बाकी बच जाएंगे वो कहाँ से होंगे, चैप्टर की थ्योरी से। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि 50% है, कि 50% शॉर्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर के एक्सरसाइज से आएंगे और बाकी के 50% कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से टपक पड़ेंगे पेपर में, चैप्टर के अंदर से। अब वो चैप्टर के अंदर से क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो टोटल 4 है, तो एक्सरसाइज से इसका हाफ ऑफ कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज से कितने बनेंगे इधर 2 और इसको मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, और चैप्टर के लिए इधर लिख देता हूँ इनसाइड। ठीक है, इनसाइड दी चैप्टर कितने आ जाएंगे इसका हाफ 2, इसके अंदर 2 आ जाएंगे एक्सरसाइज से, एक आ जाएगा आपके पास इधर से इनसाइड दी चैप्टर। ठीक है, 2 इधर से, 2 इधर से, इधर से एक ही आएगा, चैप्टर के अंदर से कोई नहीं आएगा क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन बेचारे को मिला। इधर एक्सरसाइज से 2, एक्सरसाइज से 2, एक्सरसाइज से 2, एक्सरसाइज से 2 और इधर 1, 1, 1 और 1। ठीक है जी, अब इधर आ जाएं, इसके अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से, 1 इनसाइड दी चैप्टर, 1 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपके पास, क्या कहते हैं इसे, 50-50 हो गया, एक चैप्टर के अंदर से और एक एक्सरसाइज से, 2 चैप्टर से, 2 एक्सरसाइज से। अब हम देखते हैं कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज से मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 2, 2, 2, 7, 7 और 8, कितने हो जाते हैं जी 15, 15 और 5, कितने हो गया जी 20। इसका मतलब है कि 20 शॉर्ट क्वेश्चन हमें कहाँ से मिल रहे हैं एक्सरसाइज से, 20 × 2, द आंसर इज 40। इसका मतलब है 40 मार्क्स का पेपर आपका कहाँ से आ रहा है, 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, वो जस्ट आपके 11 चैप्टर की एक्सरसाइजेस से आ रहा है आपके सामने 40, और बाकी का जो है वो चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये चैप्टर 2 आपने पढ़ा होगा जी, ये चैप्टर 2 है जी अबाउट वेक्टर्स,
ठीक है जी, वेक्टर इज इक्विलिब्रियम। इसके अंदर अब ये जो एक क्वेश्चन इसके अंदर से बनना है चैप्टर, वो ये हो सकता है कि आपने देखा होगा चैप्टर के स्टार्ट में एक पेज के नेक्स्ट आपने देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशंस, देखिए जिसमें आपके पास पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद नल वेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन, तो मे बी वो डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, चैप्टर थ्री है, इसके अंदर जैसे शॉर्ट में इम्पल्स है, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशंस हैं, या फिर आपके पास फोर्स ये जो है एक्सप्लोजिव फोर्सेस से रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन है कि गन बुलेट कैसे काम करती है, ये तो ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर फोर है वर्क वाला, इसके अंदर पावर आ सकती है, वर्क की डेफिनेशन आ सकती है, तो ये आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर सेवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ये फिर चैप्टर नंबर नाइन में आपके पास पूछ सकता है कि ये रिजॉल्विंग पावर क्या चीज़ है, या जो मैग्निफिकेशन है ये क्या होती है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर नाइन में से आपसे पूछ सकता है कि वो हाइजन प्रिंसिपल क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, वो इस तरह से रिलेटेड। चैप्टर नंबर इलेवन, इसके अंदर से दो शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, वो पूछ सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, या आपके पास वो डेरिवेशन ऑफ जो आइडियल गैसेज हैं वो वाले लॉज क्या हैं, या इसकी डेरिवेशन क्या है, या इंटरनल एनर्जी क्या है, या वर्क डन जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो क्या, तो ये इस तरह के जो डेफिनेशंस होती हैं या छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपके चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा लॉन्ग वो आपको शॉर्ट में बना के दे देगा। ठीक है, ये तो ये आपके पास आ जाएंगे इधर से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पोर्शन जो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस साइड को मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, फिर हम वेटेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की जो हमारे पास हिसाब किताब है वो कुछ यूं है, लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ यूं बनाए हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डायरेक्ट फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास दो चैप्टर होंगे लॉन्ग में। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैंने उधर लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किस हिसाब से होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जी हमारे पास कितने, पाँच, करने कितने होते हैं तीन, पाँच के नंबर कितने बनते हैं 40। ठीक है, और जो हमने करने कितने हैं तीन, यानी कि 24 नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फाइव में जो है हमारे पास वो चैप्टर 2+4। ठीक है, चैप्टर 2 से थ्योरी भी आ सकती है, चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन अगर थ्योरी आए तो चैप्टर नंबर 4 से न्यूमेरिकल आएगा, और अगर चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास न्यूमेरिकल आया तो चैप्टर नंबर 4 से थ्योरी आएगी। लेकिन मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशंस है, तो मोस्टली यही होता है कि सेकंड पार्ट से न्यूमेरिकल आता है। लेकिन पेयरिंग स्कीम के एंड में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह मैंशन किया हुआ है कि न्यूमेरिकल हर चैप्टर के आप करें, अगर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर आप जाते हैं तो हर चैप्टर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, लाजमी नहीं है कि अगर ये बाद में लिखा हो तो पार्ट भी इसी का ही होगा। ठीक है, चांसेस होते हैं लेकिन वो मोस्टली, लेकिन आपने अपने मुताबिक इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके पास दो पेयर आ जाएंगे जी, 3+ चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या आ जाएगा आपके पास, 6+ चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 7 का इसके साथ नहीं होगा, चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स वाला वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, 7+8, और उसके बाद लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर आपके पास जो लास्ट चैप्टर बच गया कौन सा बच गया, 9+10। ठीक है, तो इन चैप्टर से आपके आ जाएंगे लॉन्ग एक्सटेंसिव पोर्शन। ठीक है जी, ये होगी। अब हम जरा देखते हैं वेटेज कि हमने कौन से चैप्टर को किस लिहाज से तैयार करना है, या कौन से पेयर की वेटेज ज्यादा है, अब वो देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो मैं इसी लाइन को इसके साथ लगा देते हैं, इधर आ जाए। ठीक है, इधर मैं एक नाम लिखता हूं एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स के लिहाज से ज़रा आप इधर देखें तो होगा क्या कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 देखें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से कोई लॉन्ग नहीं आता, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास कितने शॉर्ट हैं जी, 4, और चैप्टर नंबर 1 हम आपके पास इधर MCQs में, बल्कि इधर मैं लिख देता हूँ, आपके पास कौन सा था चैप्टर 1, बल्कि इनके MCQs भी इधर लिख देते हैं, साथ मेंशन कर देते हैं ताकि वेटेज बजानी बड़ी आसान हो जाए MCQs। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपके पास
वन में से दो आएंगे, उसके बाद टू में से दो आएंगे, थ्री में से दो आएंगे, उसके बाद फाइव में से दो आएंगे, एट में से दो आएंगे और इलेवन में से दो आएंगे। दो चार छः आठ दस, उसके बाद बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सॉरी दो चार छः आठ दस बारह, ठीक है। अगर आपके पास पाँच चैप्टर बच गए, सॉरी यहाँ पे तो बनते ही नहीं है, एक पंद्रह, उसके बाद ये आ गया जी आपके पास दो चार छः आठ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सतारह, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अब ज़रा हम इसकी मार्क्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स बनते हैं, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनेंगे। चैप्टर नंबर टू देखें जी, इसमें से दो चैप्टर नंबर वन सॉरी, इसमें दो एम सी क्यूज़ है तो दो नंबर और चार शॉर्ट हैं, कितने हो गए, चार दुनी आठ और दो दस, तो इसका मतलब है इसमें से दस नंबर का पेपर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएं आप चैप्टर नंबर टू पे, ये आपके पास चैप्टर नंबर टू है, इसके अंदर से दो एम सी क्यूज़ हैं, तीन शॉर्ट हैं, कितने हो गए, तीन दुनी छः और दो आठ। अब आठ के साथ या तो थ्री लग सकता है या आठ के साथ फाइव लग सकता है, तो एवरेज इसकी कितनी बनेगी, आठ के साथ थ्री तब लगेगा अगर चैप्टर नंबर टू से न्यूमेरिकल आएगा, और अगर आठ के साथ फाइव लगेगा तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर टू से थ्योरी आएगी, तो अगर थ्री लगाएं तो इलेवन बनता है और अगर फाइव में अटैच करूं तो कितना बनता है, थर्टीन। तो ऑन एवरेज, ऑन एवरेज इलेवन और थर्टीन के दरमियान ट्वेल्व मार्क्स का पेपर हमें मिलेगा, किधर से, चैप्टर नंबर टू में से, समझ आ रही है बात की। अब आ जाए चैप्टर नंबर थ्री पे, चैप्टर नंबर थ्री में चार शॉर्ट है, आठ दस दस, अब दस के अंदर तेरह भी हो सकता है पंद्रह भी हो सकता है, तो ऑन एवरेज कितना आ जाएगा, फोर्टीन, ठीक है। अब चैप्टर नंबर सिक्स पे आ जाए, चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर कितने शॉर्ट हैं, एक दो, दो और एक कितने हो गए, तीन, दो दो नंबर का शॉर्ट एक और एक नंबर का एक एम सी क्यूज, कितने हो गए, दो और एक तीन, तीन तीन और तीन कितने हो गए, छः और तीन और पाँच कितने हो गए, आठ, तो ऑन एवरेज कितने नंबर बन गए, सात, समझ आई बात की। तीन अगर न्यूमेरिकल के लिहाज से करें तो छः बनेंगे और अगर एम सी क्यू लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करें, थ्योरी के लिहाज से, तो कितने आ जाएंगे, पाँच, आठ हो जाएंगे, तो छः और आठ के दरमियान एवरेज सात। अब आ जाएं चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर फोर पे, चैप्टर नंबर फोर में देखते हैं, चैप्टर नंबर फोर में कितने शॉर्ट हैं जी, तीन, तीन दूनी छः और एक सात, सात और तीन दस और सात और पाँच बारह, तो एवरेज कितना बना, ग्यारह, ठीक है जी, ये एग्जैक्ट नहीं है अप्रोक्सीमेट, इसलिए एवरेज लिखा हूँ मैंने। चैप्टर नंबर फाइव, तीन और ये छः, छः और दो आठ, आठ के साथ आपका तीन भी अटैच हो सकता है और आठ के साथ आपका पाँच भी अटैच हो सकता है, तो कितने आ जाएंगे इधर आपके पास, ट्वेल्व एवरेज, ठीक है। अब चैप्टर नंबर सेवन, तीन छः, छः और एक सात, दस भी हो सकता है बारह भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, ग्यारह। उसके बाद एट, ये छः, छः और दो आठ, छः और दो आठ, आठ के साथ तीन भी हो जाएगा और क्या कहते हैं फाइव भी हो जाएगा, तो एवरेज बारह। अब आ जाएं इधर चैप्टर नंबर नाइन, चैप्टर नंबर नाइन में तीन, तो ये आ जाएंगे आपके पास छः, छः और एक सात, सात और तीन दस, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, ग्यारह। चैप्टर नंबर टेन, दो चार, चार और एक, चार और एक कितने हो जाएंगे, पाँच, पाँच और तीन आठ और पाँच और पाँच दस, तो ऑन एवरेज नाइन। चैप्टर नंबर इलेवन, चार, चार दूनी आठ, आठ और दो दस, दस तेरह, तेरह भी हो सकता है और पंद्रह भी, तो ऑन एवरेज फोर्टी, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये जो इधर मैंने लिखे हुए हैं, ये यहाँ से लेके ये वाले, ये एवरेज मार्क्स हैं जो के आ सकते हैं आपके इन चैप्टर से, ठीक है जी। अब हम पेर में आ जाते हैं। अब पेर के अंदर मैं इधर लिखूंगा चैप्टर नंबर, पेर लिखता हूँ चैप्टर नंबर टू और फोर का, टू प्लस फोर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव। तो टू में हमारे पास एवरेज कितने बन रहे हैं, ट्वेल्व, और फोर किधर है, फोर में कितने बन रहे हैं, इलेवन, तो ट्वेल्व प्लस इलेवन तो इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री मार्क्स। कितने मार्क्स बन गए जी इस पेयर में से, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आ जाएं, नेक्स्ट पेयर आपके पास है जी इधर थ्री प्लस फाइव, थ्री और फाइव इस पेयर में से। अब थ्री के अंदर कितने मार्क्स हैं जी आपके पास, चैप्टर नंबर थ्री में आपके पास है जी ट्वेल्व, ठीक है जी, और चैप्टर नंबर फाइव में कितने हैं जी, ट्वेल्व,
चैप्टर नंबर 3 में भी 12 हैं और चैप्टर नंबर 5 में भी कितने हैं 12 सॉरी चैप्टर नंबर 3 में आपके पास है 14, ये रहा ना चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में कितने हैं 14 और चैप्टर नंबर 5 में कितने हैं 12, तो ऑन एवरेज कितने हो गए 26 मार्क्स। अब आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास पेयर है जी 6 प्लस 11, 6 में कितने हैं जी 7 और 11 में कितने हैं जी 14, ठीक है तो कितने आ जाएगी 21। अब नेक्स्ट पेयर है जी आपके पास 7 प्लस 8 का, 7 में कितने हैं ये रहा 7, कितने हैं 11 और 8 में कितने हैं जी 12, तो कितने आ जाएंगे जी 23। उसके बाद लास्ट आपके पास पेयर है जी 9 प्लस 10, 9 प्लस 10, 9 में कितने हैं जी आपके पास 11 और 10 में कितने हैं जी आपके पास 9, तो कितने बने 20। तो आप देखें इसमें से हाईएस्ट आपको कौन सा पेयर आपको दे रहा है मार्क्स, तो इसके पास आपके पास ये पेयर आपको हाईएस्ट मार्क्स दे रहा है 26 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेयर भी आपने करना है, तो मोस्टली स्टूडेंट ये 2 और 4 का पेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 29 और 39 और 49, तो इन दो पेयर से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे 49। अब ये पेयर करना है या ये, तो मोस्टली स्टूडेंट 7-8 पेयर SHM होता है तो मुश्किल समझते हैं, वेव्स ओसिलेशन है, तो ये पेयर आसान है, तो स्टूडेंट इस पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब इस पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 21 मार्क्स। तो इन सब पेयर्स के ये आपके पास टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे 70 मार्क्स आ जाएंगे, जस्ट अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह हिफ्ज कर लो, बेहतरीन नंबर आ जाएंगे, 70 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप चैप्टर नंबर 2, 4, 3, 5 और 6, 11 को अच्छी तरह तैयार कर लेते हो तो इसमें से आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने चॉइसेस भी अंदर से छोड़नी है, तो इस वजह से आपको थोड़े मार्क्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो चैप्टर करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। वो कौन से करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इन चैप्टर्स के चैप्टर 7, 8 और 9, 10 इनके जस्ट क्या क्या तैयार कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ताकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर चूंकि चैप्टर नंबर 9 और 10 आते हैं, तो इसके अगर हमें शॉर्ट्स तैयार होंगे तो हमारे ये मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन मार्क्स को सिक्योर करने के लिए चैप्टर नंबर 9, 10 को लाजमी करेंगे और 7, 8 के क्या कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर हम इन्हें कर लेते हैं तो मे बी हमारे मार्क्स 70 को इजीली क्रॉस कर दें, 70, 75, 80 यहां तक हमारे मार्क्स इजीली आ जाएं। तो ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई एवरेज मार्क्स कैसे निकाले और ये चीज़, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड से शेयर करें इसे। अब हमने ये जो काम किया इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना, तो हम स्मार्ट वर्क करके कम टाइम में अच्छे मार्क्स अब ले सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स ने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करके अगर इन पेयर्स को कर लें तो वो इजीली 60-70 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।